Okay, mostly people have joined, so it's now time to start. But interestingly, we will divert a little bit today. So you might be thinking, ki aaj divert kya karenge? The answer is that aaj dekha hoga ki maine na kuch integration ke formula diye hue. ठीक है ना? एक बार मैं जरा खुद ग्रुप पे आ जाता हूँ. तो कुछ फॉर्मूले, एक तो एक फॉर्मूला तो खैर गलत भी है, मैंने देखा बाद में पॉइंट आउट किया, तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ. कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं कि तुम लोगों का अभी थोड़ा सा अटपट लगेगा, है ना? मे बी नॉट टू ऑल, पर एटलीस्ट टू सम ऑफ यू. तो मैं चाह रहा था कि एक दो फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि एक्चुअली आया कैसे. ठीक है ना? तो एक तो मैं थोड़ा सा यू नो याद दिलाऊंगा, एंड दैट इज आई होप यू रिमेम्बर. चलो, एंड दैट इज इफ वाई एंड डीवाई डीएक्स. अगर ये वाई होता है ई टू द पावर एक्स, तो डीवाई डीएक्स भी ई टू द पावर एक्स ही होता. तो मैंने बोला था कि अगर यहां से डिफरेंशिएट करके यहां पर चलता है, तो यहां से डिफरेंशिएट करके यहां पे आते हैं. ठीक है ना? तो ये मैंने बताया था. ठीक है ना? तो एक फॉर्मूला है, जो पहले वाले जो ग्रुप ऑफ फॉर्मूला दिया मैंने, उसमें देखो x टू द पावर n तो आई थिंक आसान है. x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 वो तो ठीक है. k इन टू dx भी आसान है, 1 बाई x dx. तो एक चीज और भी बताया था कि अगर y होता है ln x, ये होता है 1 बाई x. तो ln x को डिफरेंशिएट करो तो 1 बाई x आता है. इसकी 1 बाई x को इंटीग्रेट करो ln x आएगा. बाकी कांस्टेंट रखना है नहीं रखना है वो तो डेफिनेट इनडेफिनेट के ऊपर है. तो इसलिए पहला ग्रुप ऑफ फॉर्मूला में देखो, फोर्थ वाले में यही यूज हो रहा है. पहला तीन तो आसान है, फॉर्मूला लिस्ट 1 की बात कर रहा हूं. ठीक है ना? फॉर्मूला लिस्ट 1 में फोर्थ फॉर्मूला देखो, फोर्थ फॉर्मूला जो है 1 बाई एक्स वाला. तो 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करो तो ln x आता है. तो ये इसके बेस्ड है. ठीक है, फोर्थ वाला हो गया क्लियर. फिफ्थ वाला है फिफ्थ ये वाला e to the power x dx का इंटीग्रेशन e to the power x plus c. वो कहां से आ रहा है ना, e to the power x को डिफरेंशिएट करो तो e to the power x मिलता है, तो इंटीग्रेट करो तो वापस वही मिलेगा. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग रेयर फॉर्मूला. ठीक है ना? वेयर यू डिफरेंशिएट अ फंक्शन और यू इंटीग्रेट अ फंक्शन, यू गेट द सेम रिजल्ट. इट्स अ इंटरेस्टिंग वन. ठीक है ना? वीडियो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत क्लियर नहीं है, जो मैं भी देख रहा हूं अपने सिस्टम में आउटपुट आ रहा है. बहुत क्लियर नहीं है लेकिन मैनेजेबल है. मैं देख रहा हूं कि मैनेजेबल है जो मुझे दिख रहा है यहाँ. और एक चीज और बताऊं, जब मैं ज्वाइनिंग कराता हूँ ना, तो मुझे लगता है शायद बैंडविड्थ ज्यादा खींचता है, उस समय थोड़ा सा स्क्वीज ज्यादा होता है. ब्रॉडबैंड का स्पीड मैंने देखा ब्लिंकिंग तो फास्ट हो रहा है, तो आई होप कि ब्रॉडबैंड तो ठीक ही कर रहा है काम लग से. अच्छा चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. इसके बाद एक फॉर्मूला और दिया हुआ है. हाँ, ये फॉर्मूला थोड़ा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये है इंटीग्रेशन, ये देखो ए टू द पावर एक्स. इसका रिजल्ट देखो, ठीक है ना? इट इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस. अब रूप शर्मा, अब आई एम श्योर इस पे डाउट होगा कि भाई ये कहां से आया. तो मैं काम करता हूं, एक ये फॉर्मूला और उसके बाद जो फॉर्मूला 2 का 1, 2, 3 तो आसान है, तो दैट यू विल बी एबल टू मैनेज. फॉर्मूला 3 में भी एक दो है तो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं. तो पहले मैं काम करता हूं, पहले इस पे आ जाता, ये कैसे किया जाता है ना. तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसका मेथड फॉलो करता हूँ. एक्चुअली आज मैं इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज दूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन तो मैंने पहले ही बोल रखा है इज अ लिटिल टफर देन डिफरेंशिएशन. तो कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया था कि जैसे डिफरेंशिएशन का जो मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करने दिया थोड़ा टफ है. एक्चुअली पता है क्या ना, उसमें जो है जे लेवल के भी क्वेश्चन है. ठीक है ना? तो इसलिए टफ लग रहा है. तो कोई बात नहीं बेटे, देखो डोंट वरी. आई मीन इससे मतलब मैं अगर बहुत आसान सा सेट देता तो 50 क्वेश्चन देता, 45 हो जाता तो क्या मजा है ना.
एटलीस्ट उसपे थोड़ा सा हेड ब्रेक करो, थोड़ा सीखोगे, जहां अटकोगे फिर मैं डिस्कस भी करूंगा। तो इंटीग्रेशन में भी मैं ऐसी एक्सरसाइज दूंगा, लेकिन उसमें भी थोड़े से टफ क्वेश्चन, तो एटलीस्ट फॉर्मूला पार्ट क्लियर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। और फॉर्मूला पे अगर डाउट होता है ना तो फिर उसको अप्लाई कर सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा समझ लो। अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इज दैट बाय डिफॉल्ट, और वो ये कि बाय डिफॉल्ट लॉग मतलब अब हो गया एल एन, तो व्हेन आई से लॉग ए इट मींस एल एन ए, यानी लॉग ए बेस ई। नाउ माइट्स आपने ई तो लिखा नहीं है, तो अब जो मैथमेटिक्स में रूल फॉलो करेंगे कि हम लिखेंगे नहीं, इसका मतलब ये, इसको कैसे करेंगे, तो मैं काम करता हूं, लेट्स पुट जेड एज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो एल एन जेड क्या होगा, एक्स एल एन ए। ठीक है, ये एल एन जेड पढ़ा जा रहा है, थोड़ा सा कम पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना, बस समझ आ रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि बोर्ड में बहुत क्लैरिटी नहीं है, समझ तो ठीक है। अब क्या देखो कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, याद आ रहा, वन बाय जेड dz dx is equal to x का डिफरेंशिएशन 1 into ln, ठीक है, ये हो गया इसका रिजल्ट। तो therefore मैं लिख सकता हूँ dz equal to ln a into z into dx, which is equal to ln a, और z क्या है, z तो ये तो x dx, इसको इंटीग्रेट करो, ln a तो एक कांस्टेंट है ना, तो यानी इंटीग्रेशन a टू द पावर x x क्या हो गया, नाउ 1 बाय ln a इनटू इंटीग्रेशन dz, और वो क्या होता है z, है ना, इज इक्वल टू z बाय ln a प्लस कांस्टेंट, और z क्या है, a टू द पावर x, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इज इक्वल टू a टू द पावर x बाय ln a प्लस, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अभी समझ आ गया ना, तो ये इसका तरीका होता है। अच्छा इससे एक फायदा भी है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो देखो हर बार तो तुमको फॉर्मूला नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, बट फॉर्मूला के जैसे आसपास मिलता जुलता मिलेगा, वहां पे अगर मेथोडोलॉजी पता रहता है तो दैट केस देखना क्या होगा, यू विल बी एबल टू बेटर हैंडल दी क्वेश्चंस। वाज अ बैंडविड्थ का इशू बोल दे, एक्सक्यूज मी सर, जो आपने डिफरेंशिएट किया था ln z is equal to x ln a, उसमें प्रोडक्ट टू नहीं लगाओगे आप? नहीं, एक्चुअली क्या है, ln a कांस्टेंट है, a is not a variable, a is a constant, तो ln a into x मुझे पता है यहाँ पे दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है, पर ln a तो कांस्टेंट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। okay. और जहां तक ln z की डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये याद करके देखो हमने एक इम्प्लिसिट टाइप का फॉर्म पढ़ा था, तो ln z का डिफरेंशिएशन 1 / z हो गया, और क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dz dx भी आएगा, है ना, तो वो आएगा dz dx, ये वाला तो 1 / z भी आया, 1 / z भी आया और dz dx भी, और बाकी राइट हैंड साइड तो x का डिफरेंशिएशन है सिर्फ, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया और ln a as it is आ गया, है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मेट इधर देखो, थोड़ा सा जो है ना पता नहीं क्या हो रहा है, मैं ना एक काम करता हूँ, आज कहीं ऐसा ना हो कि ब्रॉडबैंड में दिक्कत आ रहा है, तो मैं ना एक बार अपने मोबाइल के नेटवर्क पे शिफ्ट होता हूँ।
देखता हूं अगर कुछ इंप्रूवमेंट होता है, लेट मी चेक, ठीक है ना। Any improvement? कुछ बेटर हुआ क्या? Any improvement in transmission? Okay, अभी मैंने बताया, तो देखते हैं अगर इससे बेटर होता है तो। Anyway, ये एक फॉर्मूला था, मुझे और भी फॉर्मूले बताने थे। ठीक है, इसके बाद देखो साइन एक्स वाला माइनस कॉस एक्स का मतलब इंटीग्रेशन करके फिर कॉस एक्स का साइन एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का कोसेक एक्स, तो ये सब तो देखो तुम लोगों को मालूम है। अच्छा फॉर्मूला फोर पे आ जाओ, फॉर्मूला फोर का जो पहला है अच्छा फॉर्मूला फोर पे आ जाओ, फॉर्मूला फोर पे जो है ठीक है ना, ये कैसे आता है ये मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट। डीएक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स बाय इंटर रूट आता है सर। हाँ जी बेटे, सर आपने इसमें z equals to a raised to power x के बाद क्या लिखे, कैसे लिखा है वो चीज, उसके बाद वाली चीज नहीं, ये implies लिखा है, तो दोनों दोनों तरफ ln ले लिया, जैसे z is equal to अगर x तो पर x होगा तो ln z क्या होगा, x ln a, ये क्या दोनों तरफ log ले लिया, दोनों तरफ लॉग लिया गया। ऐसे अगर सपोज अगर z इज इक्वल टू अगर एट द पावर x है यानी ln z इज इक्वल टू ln एट द पावर x होगा, यानी ln z इज इक्वल टू x डायरेक्टली लिख दिया था और फिर डिफरेंट करके लिखा तो एलएनज का वन जेड जेड डीएक्स इंटीग्रेशन डीएक्स रूट ऑफ, तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे,
सपोज cos थीटा, यानी मैं अगर dx को रिप्लेस करूंगा तो बनेगा by under root of 1 minus x. x तो sin थीटा है, इसके थ्रू बताते रहना, तो ये हो जाएगा 1 minus sin square theta. अब अंडर रूट ऑफ 1 minus sin square theta क्या होता है? cos theta कैंसिल हो, यानी इक्वल टू इंटीग्रल d theta इज इक्वल टू theta plus c, और theta क्या है? sin inverse x, तो हो जाएगा इक्वल टू sin inverse x plus, यानी जो फॉर्मूला लिस्ट भेजा है, हाँ आदित्य से वीडियो इज नॉट क्लियर, शुड आई रिवर्ट बैक टू के आदित्य के अलावा और किसी का वीडियो नॉट क्लियर है? सही है सर, ठीक है, सही आ रहा है ना? चलो ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला है dx by 1 plus x square. तो इसका भी मैं बता देता हूँ कहां से आ रहा है. अगला है इंटीग्रेशन ऑफ dx by 1 plus x square, ठीक है ना? चलो एक काम करते हैं, इसमें जो है ना हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है? इन दैट केस dx d थीटा क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा, यानी मैं dx को रिप्लेस कर सकता हूं by sec स्क्वायर थीटा d थीटा.
ठीक है। अब देखो यानी ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dx तो sec square theta d theta, यानी sec square theta by 1 plus अब x का tan theta यानी 1 plus tan square theta, तो क्या हो गया फिर 1 plus tan square भी sec square theta, ये भी sec square theta, ये और ये cancel हो गया, ये is equal to integral d theta is equal to theta plus c is equal to, अब theta क्या है, tan inverse x, यानी tan inverse x plus c, let's proceed. तो ये हो गया next formula, ठीक है ना? अगला जो formula है, वो है dx by, ये मैंने formula list दिया हुआ है, तो मैं ही नहीं चाहता हूँ कि एकदम formula का मैं जो है ना तोते की तरह use करके करो, तो मैं चाह रहा था इसके थोड़ा सा understanding के बारे में। अगला जो formula है वो देखो, integration dx by x into x square minus y is equal to sec inverse x plus c, ठीक है ना? अभी कहां से आ रहा है ना, तो इसके लिए पता हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पुट करेंगे x equal to sec theta, तो अगर x equal to sec theta पुट करता हूं मैं, ठीक है ना, इन दैट केस क्या होगा, dx d theta is equal to sec theta tan theta, यानी ये जो i है वो हो जाएगा dx यानी sec theta tan theta और d theta, sec theta tan theta d theta और mod x, तो mod sec theta into ये under root में है, तो sec square theta minus 1 is equal to, फिर से देखो वही चीज आ गया, sec theta tan theta तो है ही है, by sec theta into ये तो tan theta, तो क्या बनेगा, theta plus c यानी sec inverse x
पर नेटवर्क भी कुछ ज्यादा ही आ रहा है। अच्छा अरियंत नाम से दो जने हैं वो और तीन जने अब एक चले गए तो समथिंग व्हिच इज हैपनिंग एट द बैक चलो ठीक है आई थिंक दैट वाज वन फॉर्मूला और आई थिंक बाकी तो आसानी है। अच्छा हाँ फॉर्मूला नंबर 5 लिस्ट पे आ जाओ ठीक है ना फॉर्मूला लिस्ट 5 पे आ जाओ टेन एक्स का लॉग सेक एक्स है और जो सेकेंड वाला फॉर्मूला वो तो खैर गलत है वो कैसे आ रहा है लॉग सेक एक्स वो देखो tan x dx can be written as integration sin x dx by cos x है ना अब मैं काम करता हूं let us say z is equal to sin x तो यानी dz z is equal to suppose cos x तो dz dx होगा minus sin x यानी sin x dx is equal to minus dz नमस्ते बोलो 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 ठीक है तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन को i को therefore i is equal to integration minus में है ना minus dz है dz by cos x तो z है तो dz by z यानी minus ln z plus c is equal to minus ln cos x plus c क्योंकि z तो cos x है and that is equal to ln sec x plus mod हम इसलिए डाल देते हैं क्योंकि ln तो सब चीजों में के लिए डिफाइन नहीं है इसलिए जो है mod जो है डिफाइन कर दिया ठीक है अच्छा नेक्स्ट देखो लो नेक्स्ट आई थिंक है इंटीग्रेशन cot x इंटीग्रेशन cot x तो इंटीग्रेशन कॉटेक्स कैसे आता है किसी तरीके से इंटीग्रेशन कॉटेक्स भी आ जाएगा तो अलग सा कुछ नहीं है
मैं फिर फटाफट बता देता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx बाय sin x. अगर मैं z को लेता हूं एज sin x है ना, यानी यानी dz dx हो गया cos x, ठीक है, यानी dz इज इक्वल टू cos x dx. सो देयरफॉर I is equal to integration, देखो cos x dx वो dz होगी by sin x, dz और sin x क्या, z, dz by z, यानी ln z plus c is equal to ln sin x plus c. देखो हो सकता है बोलोगे कि आप लास्ट में खुद के तरफ से एक मॉड डालते जा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि देखो ln के अंदर नेगेटिव नंबर्स डिफाइंड नहीं है ना, लेकिन साइन एक्स तो नेगेटिव ही हो सकता है, वो तो एक्स पे डिपेंड करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड फोर्थ अलग अलग टाइप का, तो उससे बचने के लिए एलएन को कि नेगेटिव ना हो जाए एलएन के अंदर, इसलिए हमने मॉड साइन एक्स का, ठीक है. आई थिंक एक और बता देता हूँ, ये भी बता दिया मैंने कॉट एक्स का. थर्ड आ जाओ इंटीग्रेशन सेक्स नहीं होगा, इसमें cosec x नहीं होगा, नहीं इस केस में जरूरत नहीं पड़ रहा क्योंकि इसमें वो माइनस नहीं है ना, क्योंकि देखो पिछले बार क्यों किया था, क्योंकि पिछले बार माइनस था, तो माइनस ln cos x तो वो माइनस वन ऊपर चला जाता है cos के ऊपर, cos x मतलब वन बाई cos x हो गए तो वो sec x हो. ओके सर, लेकिन इस केस में क्या ना साइन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो माइनस आया नहीं कहीं पे, इसलिए इस केस में ओके है, ठीक है ना. पिछले बार वो माइनस के चक्कर में हमने किया था, ये बाहर माइनस था, ठीक है. तो हमने पिछले बार क्या किया था, ये वाला रूल यूज किया था, एंड दैट इज माइनस एल एन ए इज इक्वल टू एल एन वन बाई ए, ये हमने पिछले बार रूल यूज किया था, ये हमने तो वो कॉस एक्स को वन बाई करके सेक एक्स, इस बार ऐसे कुछ आया नहीं इसलिए नहीं. एक आध और बता देता हूँ सो दैट बेटर क्वेश्चन सॉल्विंग. इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स के लिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया सेक एक्स प्लस टेन एक्स डीएक्स और